अस्सलाम वालेकुम जी। बॉस मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। और ये फ्लैश ड्राइव मेरे पास है जिसमें हमने 2 साल दिन रात एक करके मेहनत की है। एक दफ़ा क्लाइंट देखेगा तो इंशाल्लाह उसका दिल ज़रूर हम पर आएगा और ये डील हमें मिलेगी। बस मैं 15 मिनट में अगले बिल्कुल मैं 15 मिनट में आपके पास आ गया। जी बॉस, ठीक है बॉस, मैं आया। यार इस बॉस को बिना सिर्फ अपने काम से मतलब है, इसको इंसानों की कोई परवाह नहीं है। दिन रात मेहनत करो, इसके लिए काम करो और सैलरी देते इसको मौत पड़ती है। खैर जितना मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, ठीक है जाते हैं बॉस के मुंह पे मारते हैं दिन रात काम करके। यार अब वो देखो, अल्लाह ताला ने अच्छे भले हाथों दिए हैं यार क्यों गुस्सा कर रहे यार, हो यार? अच्छे भले हाथ में मांगने आ बॉस जाते हैं। बॉस का गुस्सा क्यों उस बेचारे ओ बता रहे भाई हो? खड़ा हुआ है बस ओ अपनी भाई, जगह पे। ये लोग चोरियां करते हैं, इनके पास इतनी ट्रिक्स हैं। अल्लाह चलो यार, क्यों बॉस का गुस्सा? पता नहीं मांगने वाले। क्यों अपने किसी को पीछे अपनी जुबान खराब कर? यार ये मेरे से मार खाएगा, वो भी मेरी तरफ ही आ रहा है। ओ हेलो भाई, भाई बाहर जा, इधर क्या कर रहा है? इधर नहीं आना, बाहर निकल। चोरियां करते हैं यार, सही बात है। छोड़ो गुस्सा, मुझे इससे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है। गुस्सा सही, अल्लाह पाले तुझे हाथ पे दिए फिर मांगने आ गया। अच्छा तो यार इससे पहले कि हम बॉस के पास जाएं और देर हो जाए, 15 मिनट रह गए तो कुछ खाने को चलते हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल, भूख तो मुझे भी लगी हुई है और उधर काम भी है तो वो भी ये भी डन हो गया। आप अपना काम करना और हम खा लेंगे और फिर वापस इकट्ठे चलते हैं 15 मिनट के अंदर, ठीक है ना? चलो चलो। यार वो देखो कैसे घूर रहा है, अपने मोबाइल पकड़ लिया? आपने पकड़ लिया? यार ऐसे लोग चोरी बहुत जल्दी करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता मोबाइल संभाल कर। ओ यार उसका बटवा तो यहीं गिर गया है, इसे उठा के देखता हूँ इसमें क्या है। ओ यार इतने पैसे, सुबह से कोई कमाई भी नहीं हुई। मैं रख लेता हूँ, उसे कैसे पता चलेगा? और कुछ देखता हूँ क्या मिलता है। ये क्या, USB? उसके कोई काम की होगी। नहीं यार कोई भी नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है ना। यही साइड पे ठहर जाता हूँ, जब आएंगे उन्हें वापस दे दूंगा। यार इस बात से डर रहा था, हो गया ना चोरी मेरा वॉलेट। इधर देखो यार, इधर रह गया सामान गाड़ी के अंदर। देखो यार मुझे ये, मुझे पक्का पहले पता था यार इन्होंने चोरी कर लेना है। यार ऐसा नहीं कहते ना भाई, चोरी हो गया, मुझे क्या पता किधर है, खाना भी नहीं खा सके यार हम लोग। ओ भाई चला जा, मेरा बहुत दिमाग खराब है यार। वॉलेट मिला ना यार, ये फिर भिखारी आ गया। ओ भाई चला जा यार, मेरा दिमाग ना खराब कर, पहले मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। चला जा यहाँ से, सीधी बात है चला जा। सर आपका बट भाई यहीं गिर गया था जिस टाइम आप गए थे हमारे पास। कहा तुमने पैसे चोरी किए? उन्हें पैसे तो पूरे हैं। नहीं यश भी, मैं भिखारी नहीं हूँ यार। तुम्हारे पास इतने पैसे थे, तुम तो भाग सकते थे, क्यों नहीं भागे? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं पेन बेचता हूँ। पकड़ो तुम्हारा ही नाम है, तुम बहुत अच्छे इंसान निकलो, पकड़ो। नहीं आप पेन ले, मैं फिर ले सकता हूँ। तुमने मेरा दिल जीत लिया, चलो दो पेन। यार इतने अच्छे इंसान में इतने गलत समझते थे, मुझे माफ कर देना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो ना इस पर ज़ुल्म करता है और ना इसको बेयारो मददगार छोड़ता है और ना ही इसको हकीर समझता है। तकवा यहाँ है, किसी आदमी के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। हर मुसलमान का माल, उसकी इज़्ज़त और उसका खून दूसरे मुसलमान पर हराम है। तो दोस्तों हमें भी किसी की हालत देखकर उसको हकीर नहीं समझना चाहिए, हो सकता है कि वो हमसे भी बेहतर हो। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शुक्रिया।